दोस्तों टाटा जंगल में आज जो रोड है रुद्रपुर को जाने वाली, ये बिल्कुल खाली है, सन्नाटा है, ना कोई इस तरफ से गाड़ी आ रही है और ना ही कोई। तो आप देख सकते हैं प्रशासन ने अलर्ट भी वहाँ पर नहीं किया कि आप नीचे मत जाइए, रास्ता बंद है, और अगर हमें यहाँ से वापस आना पड़ा तो बहुत हमारी समय की और पैसे की हानि होगी। आखिर जिसका डर था वही हुआ, देखिए यहाँ पर बंद हो चुका है गेट और सब वापस आ जाएंगे, यहाँ वापस हो रहे हैं। तो अभी अंदर की तरफ से किसी ने रास्ता बताया कि यहाँ पर से आप जा सकते हैं, क्योंकि उतनी पीछे वापस जाना तो बेवकूफ़ी होगी। 25 किलोमीटर लगभग हम आगे आ चुके हैं, अब यहाँ से रास्ता ढूंढते हैं। रेलवे लाइन दोनों तरफ से खोद दी गई है, जिस कारण वो पूरा रास्ता बंद है। देखिए इसके अंदर ही अंदर से एक रास्ता निकल के जा रहा है, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे क्योंकि ये पूरा अंदर कहीं पता नहीं कहाँ जाएगा। तो दोनों बाइकों को पार कराने के लिए दो चार लोग चाहिए होंगे और हम सब मिलके करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने पार किया यहाँ पे, साथ में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा और हम पार करके हम निकल गए हैं। देखिए सामने से वो लोग भी जा चुके हैं, तो हम भी निकलते हैं। टांडा रोड पूरा बंद किया हुआ था और बड़ी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ा, बीच जंगल से होते हुए हम लोग यहाँ से निकल के आ रहे हैं। पहली बार इस तरह से मैं निकल के आया हूँ किसी जंगल से। ये रास्ता है यहाँ पे, उधर रेल पटरी का काम चल रहा था तो पूरा रास्ता ब्लॉक था। इस तरह से सीधा हम वापस वहाँ पे उसी रोड पे मिल जाएंगे, रुद्रपुर वाली रोड। देखिए चारों तरफ खेत हैं, जंगलों के अंदर रेलवे क्रॉसिंग में काम होने के कारण वापस आना पड़ा था। यहाँ पर एक विद्यालय भी है, देख सकते हैं। हम रुद्रपुर से बाहर आ गए हैं। तो दोस्तों वापस जाते वक्त बाया लाल कुआ जा रहा हूँ मैं, ये पन नगर का इलाका है, पन नगर यूनिवर्सिटी के पास से होते हुए हम लोग जाएंगे। हम यहाँ से होते हुए जाएंगे। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं इस समय लाल कुआं पे। देखिए लाल कुआं की फैक्ट्री, इस वक्त आपको धुआं दिखाई दे रहा होगा और ये ऊंची ऊंची चिमनियों से, गगनचुंबी चिमनियों से निकल रहा है पॉल्यूशन वाला धुआं। तो अब मैं पहुंच गया हूं लाल कुआं।